डॉक्टर साहब ने Aritika was also our head girl. मेरा नाम वंशमीत कौर है, मैं MB इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने 97.8 स्कोर किया है नॉन मेडिकल स्ट्रीम में और जम्मू प्रोविंस में साइंस टॉपर हूँ मैं। सो इसका जो क्रेडिट है वो मेरे स्कूल को भी जाता है और मेरे पेरेंट्स को भी जाता है क्योंकि दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे स्कूल वाले जो टीचर्स थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हेल्प करते हैं हर एक टाइम पे, मतलब गाइडेंस भी देते हैं और पढ़ाई के मामले में भी बहुत हेल्प करते हैं। और पेरेंट्स के तो ऑब्वियसली सपोर्ट रहता ही है हर बार, पेरेंट्स अगर नहीं सपोर्ट करें तो फिर शायद ही इतना आगे ना पहुंच पाए कोई। बोर्ड्स के लिए तो डर नहीं लगा, मतलब ऐसे जेई का दिया था तो उसके लिए था थोड़ा, पर जेई की प्रिपरेशन में बोर्ड्स की तैयारी कैसी होगी इतनी अच्छे से होगी पता भी नहीं चला। एक्सपीरियंस मेरा ये कि शुरू से बस व्हाट्सएप ही है, सोशल मीडिया छोड़ा तो मैंने कुछ भी नहीं क्योंकि है ही व्हाट्सएप, तो उसी पर था सब कुछ, जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसी से थोड़ा बहुत। मेहनत तो अपने पे डिपेंड करता है कितनी कैपेबिलिटी आप में, अगर आप थोड़े लगता है कि आप थोड़े वीक हो किसी सब्जेक्ट में तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट वो ठीक है तो उस पर भी टाइम दो, पर जो वीक है उस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली सभी सब्जेक्ट्स में स्कोर करना पड़ेगा। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है तो ऐसा होता है कि हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन बाकी को भी पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एट द एंड सब में स्कोर करना ही है। मेरा नाम उर्मी सलाथिया और मैं गुड़ा सलाथिया की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 12th क्लास MB इंटरनेशनल स्कूल से की है और कल के रिजल्ट में मेरा 96.4% आई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मा मेरे पापा वो हमेशा मेरे साथ थे, जितनी भी मेहनत मैंने किया आई थिंक सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उसके बाद मेरा भाई, मतलब कि मैथ्स में मैं थोड़ी वीक हूँ तो जितना भी मैथ्स था मेरे भाई ने करवाया मेरे को, मतलब रात रात जाग के उर्मी पढ़ मेरे भाई ने किया, जितने भी मेरे मैथ्स में मार्क्स आए मेरे भाई की वजह से आया है। उसके बाद स्कूल फैकल्टी प्रिंसिपल सर स्पेशली प्रियंका मैम अजय सर अमन सर मारवी मैम जितने भी टीचर्स थे सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद जितने भी आने वाली क्लासेस में बच्चे अभी 12th के बोर्ड्स देंगे 10th के बोर्ड्स देंगे उनको मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बोर्ड क्लासेस सिंपली वैसी ही होती है जैसे आप पहले एग्ज़ाम्स देते आए हो, बस ये हो जाता है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है पेरेंट्स की तरफ से भी स्कूल की तरफ से भी और ख़ुद पे भी थोड़ा प्रेशर होता ही है कि परसेंटेज ज़्यादा लेनी है अच्छे मार्क्स लेने हैं,
पर आप बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस मत ले उनको. आपको पता होना चाहिए आपको कैसे पढ़ना, आपकी थोड़ी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपको स्टार्टिंग से कंस्टेंटली पढ़ते रहना चाहिए. ये नहीं है कि अभी भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अभी पढ़ना शुरू कर दिया, सब बिल्कुल नहीं है. आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, और एग्ज़ाम्स के वक्त तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता ही है, पर पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, थोड़ा सिलेबस कम्प्लीट करते रहे. और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स कोई सॉल्व कर लो तो ही आपके मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है. जो टीचर्स समझा रहे हैं, जो आप कोचिंग में कर रहे हो, अगर आप उतना भी कर लेते हो तो बहुत है. और उसके बाद मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, पेरेंट्स की सुनते रहो. ये नहीं है कि अगर वो बोल रहे हैं पढ़ो 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 ऐसे गुस्सा करने शुरू हो गया, ऐसा नहीं है. और मैं बस यही बोलना चाहूँगी. माय नेम इज़ हरिदिका चटगाल एंड आई ऑप्टेड मेडिकल इन क्लास 12th. आई सिक्योर्ड 95.4% एंड आई एम फ्रॉम एमवी इंटरनेशनल स्कूल. टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस, माई मैसेज इज़ टू प्लीज स्टार्ट वर्किंग. इवन इफ़ यू थिंक दैट यू आर लेट, यू आर नेवर लेट. इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग नाउ यू विल श्योरली गेट टू सी योर रिजल्ट्स. मेरा मैसेज बस यही रहेगा कि गर्ल्स के लिए भी, कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना. ये मत सोचना कि मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं पीछे रह गई. कभी भी अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करते रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे. इसीलिए हमेशा अपने आप में अपनी मेहनत करना, क्योंकि जो आप मेहनत करते हो उसका फल आपको मिलता है. यहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने अकेडमिकली भी बहुत मेहनत करी, और उसके बाद मैंने कल्चरली हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया. मैं स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ और मैंने कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ी. अगर आप ये सोचते हो कि आप एक्टिविटीज़ में पार्ट करोगे और इसीलिए आपका अकेडमिक्स पीछे रह जाएगा, तो ये गलत है. अकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर में भी अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको अकेडमिकली ही नहीं बहुत सारे सेंस में ग्रो करेगा. वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, वो आपको सिचुएशंस टैकल करना सिखाएगा, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तो सिर्फ उनको एक्सपीरियंस करके, मतलब एक अच्छा आपको स्पीकिंग स्किल्स सिखाता है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. माय नेम इज़ रोहित लखोत्रा. आई एम फ्रॉम पल्लीमोड विलेज, तहसील बिश्ना. आई एम फ्रॉम एमवी इंटरनेशनल स्कूल एंड यस्टरडे आई हैव सिक्योर्ड 92.8% इन आर्ट स्ट्रीम. आई वुड लाइक टू थैंक एमवी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गाइडिंग मी इन एवरी पाथ एंड एवरी पॉसिबल वे. Actually, I have been in this institution from the last 9 years, and in this school, every day is a hard-working day. It is not just ki humne 12th start kiye, toh hum 12th mein aake hi apni preparation shuru karenge. The journey has been started from the years ago. और जैसा आपने कहा कि जब डेट शीट अनाउंस हुई, ऑब्वियसली उसके बाद बच्चे अपना 100% देने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं. लाइक वेस मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड सम स्मार्ट वर्क टू अचीव दिस टारगेट. As per my perception, there is no pressure on student if they started studying from the very beginning. और जैसा आपने कहा कि प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती. छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उनको डेली अचीव करें, और स्मार्ट वर्क करें, और अपने टीचर्स को फॉलो करें, नॉट यूट्यूब, नॉट टू मच सोशल मीडिया. मेनली फॉलो योर टीचर्स. माई नेम इज़ परिषेक महाजन एंड आई स्कोर 91.4% इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई एम द टॉपर ऑफ एमवी इंटरनेशनल स्कूल एट कॉमर्स स्ट्रीम एंड आई एम फ्रॉम बरीरामना. ये खाली हमारी मेहनत नहीं है, ये टीचर्स की मेहनत है और पेरेंट्स की भी मेहनत है. इन दोनों ने खाली ना मुझे अकेडमिकली सपोर्ट किया, पर मॉरली भी बहुत सपोर्ट किया कि मैं कर सकता हूँ. और मैं जब पेपर्स के टाइम पर था, मैं बहुत प्रेशर में था, मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि तू कर सकता है, और इसकी वजह से आज रिजल्ट इतना अच्छा आया. कि इतना प्रेशर नहीं लो, इतना टफ भी नहीं होता बोर्ड एग्ज़ाम. जैसे नॉर्मली स्कूल में एग्ज़ाम देते हो वैसे ही समझ के बोर्ड के भी एग्ज़ाम भी दे दो. मेरा नाम हर्ष सैनी है एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12th नॉन मेडिकल एंड आई हैव सिक्योर्ड 90.6% इन क्लास 12th. एंड ऑल आई वॉन्ट टू से इज डैट लक ऑल्सो मैटर्स, बट यू नो इफ वी वर्क हार्ड देन लक कैन सपोर्ट अस. एंड ऑल दो आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज टोटली द सपोर्ट ऑफ ऑल द टीचर्स दैट दे सपोर्टेड अस, बिकॉज वी वर टोटली अफ्रेड वैन वी स्टार्ट अवर क्लास 12th. Because after the lockdown, it was difficult for us to, you know, study hard, but the teachers we get, they were very good. They help us to make notes and they make us journey easier. And this is all because of our teachers and parents. Sir, I have been in this school since my first class, and it's been a great journey in this school. I have learned a lot of things. The teachers were very supportive. The principal sir, they, you know, bring very best teachers. And you know, I played a lot. I participated in physical activities, and I joined NCC, and I was a good cadet of NCC. And I have an active participation in sports. And you know, teachers were good, sir. सर बस द मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा,
थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, बट यू नो स्टडीज़ के साथ साथ अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा ध्यान दें तो उससे उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। और बाकी टाइम टेबल यू नो टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो टीचर्स बोलें वो करना है। ये नहीं है कि मतलब टीचर्स पे फोकस नहीं बिलीव नहीं किया तो आप हो जाओगे, नहीं सर, टीचर्स पे फोकस पढ़ना पड़ेगा उनसे। केमिस्ट्री मैम क्लास टीचर थे ये, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमें मोटिवेशन बहुत दिया, इन्होंने अपनी मोटिवेशनल कहानी सुनाई थी जो जैसे जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में किया था तो उससे हम मोटिवेट हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमने भी सोचा कि हम भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे लाइफ में। यस सर, बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं सर। माई नेम इज़ लक्षिता एंड आई स्कोर 93% इन मेडिकल स्ट्रीम एंड आई एम फ्रॉम MV इंटरनेशनल स्कूल एंड आई लिव इन विजयपुर। आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल स्टाफ मेम्बर्स दैट ऑलवेज इनकरेज्ड मी टू स्कोर दिस मच। टीचर्स का स्टार्टिंग से सहयोग रहा, जैसे प्रियंका मैम, अजय सर, संदीप सर, प्रणालिनी मैम, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया जिससे इतना रिजल्ट आ पाया। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ये नहीं है कि आप ऐसे एक दिन पढ़ रहे हो दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बस पर रोज़ पढ़ो, एटलीस्ट 2 to 3 hours बस इतना पढ़ना पड़ता है, बाकी इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता। प्रेशर था, स्टार्टिंग में था, पर उसके बाद जब ये है कि अगर फोकस किया है और पढ़ाई की है पूरे साल तो फिर उसके बाद इतना नहीं होता है। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंट रहो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो जिससे माइंड फ्रेश रहे ताकि अच्छा फोकस बने। बस ये बड़ी एक रेयर अचीवमेंट है हमारे स्कूल के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए भी, कि हमारे MV इंटरनेशनल स्कूल की एक स्टूडेंट जो स्कूल में कंसिस्टेंटली रही है फॉर ऑल द 13 years ऑफ आवर स्कूलिंग, कि उस बच्ची ने शुरू से ही अपने टॉप करने की लेगेसी भी मेंटेन करी और आज प्रूव किया कि अगर मेहनत करते करे तो इस तरीके से करे कि एक लैंडमार्क रिजल्ट भी आए। उस बच्ची ने अभी तक जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से साइंस स्ट्रीम में 97.8% मार्क्स लेकर जम्मू प्रोविंस में टॉप स्कोर प्रोड्यूस किया है, और उसमें सिर्फ 97.8% 100% रिजल्ट ही नहीं, उसने केमिस्ट्री और मैथ्स, दो ऐसे सब्जेक्ट जिसको देखे सब लोग डरते हैं, उसमें भी 100 on 100 मार्क्स लिए हैं। तो ये सब रिज़ल्ट एक बड़ी ही अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं कि उस बच्ची ने शुरू से मेहनत करी है और बैलेंस स्ट्राइक किया है अपनी पढ़ाई में भी, अपनी फिजिकल फिटनेस में भी और मेंटल हेल्थ में भी। जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी भी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ पढ़ाई एक तरफ बट उसके साथ में इमोशनल बैलेंस, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल फिटनेस उतनी ही ज़रूरी हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं जो बच्चा इन चीज़ों में पीछे रह जाता है धीरे धीरे वो पीछे रहना शुरू हो जाता है और वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। बट इफ़ यू आर फिजिकली फिट, इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ ए कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। आई एम रियली ग्लैड टू शेयर कि MV इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स ने मिलजुल के एक लैंडमार्क रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और आने वाले टाइम में इसको हम और ऊपर ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वेल, ये जो बच्चे हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में भी वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, बिकॉज क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट एक ऐसा लैंडमार्क रिजल्ट रहता है जहाँ से डिसाइड होता है कि वो कैसे कॉलेजेस में जाएंगे, कैसा उनका फ्यूचर रहेगा, कैसा उनका फैमिली का फ्यूचर रहेगा। सो आई विश एवरीबडी द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर कि बच्चे कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, दे विल बी द बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे MV इंटरनेशनल स्कूल में 100% रिजल्ट जो आया है, बच्चों की मेहनत और साथ में प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ जो बच्चों को मेहनत कराते हैं दिन रात, कभी बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना हो उनके लिए वो फ्री हैंड टीचरों के साथ दिया हुआ था। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे बच्चे जो है 100% रिजल्ट लेके आएँ। वो पिछले 10 सालों से हमारा स्कूल का रिजल्ट जो है 100% रिजल्ट आ रहा है। इसलिए आ रहा है, एक तो टीचर जो है क्वालिटी वाइज टीचर है हमारे स्कूल में, और एजुकेशन के साथ साथ पेरेंट्स का भी जो संयोग रहता है साथ में, वो माँ वैष्णो माता की बड़ी कृपा से, जिसकी कृपा से माँ वैष्णो काली लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा से बच्चे आगे बढ़ते हैं, और वाहेगुरु जी की कृपा से
उनका भी आशीर्वाद रहता है और साथ में उनके माता पिता का भी आशीर्वाद होता है, बच्चे आगे निकलते हैं। हमारा जे एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे बहुत आगे निकलते हैं, जहाँ कहीं कंपटीशन होता है वहाँ से मेडल लेके आते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। जे हमें जे खुशी होती है, आज हमारे बच्चे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं और दूसरी कंट्री में अब्रॉड में यूएसए तक हमारे बच्चे बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट में पहुँचे हुए हैं। हमें आज बड़ी खुशी की बात होती है, गर्व की बात है कि आज हमारे बच्चे जे आज अच्छे नंबर लेके आगे इनका अपना जो सपना है वो पूरा करेंगे और अपने माता पिता का भी सपना पूरा करेंगे। हमें खुशी होती है कि बच्चे जे आगे बढ़े। इतना ही मैं कहूँगा कि आने वाले जो आगे जो बच्चे छोटी क्लास वाले बच्चे हैं उनसे भी हम मेहनत कराते हैं, चाहे वो सिक्स क्लास के हो, सेवन क्लास के हो, बच्चों को हम पूरा उनका बच्चों का ध्यान रखते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़े, कोई कमज़ोर बच्चा पीछे ना रहे। यही हमारा प्रयास रहता है कि बच्चा 100% पहुँचे।